وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي हर किस्म की तारीफ कबरियाई और बड़ाई बुजुर्गी और तस्बीह और तहलील और तकदीस सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक सज़ावार है जो हम सब का मालिक है हम सब का खालिक है रब्बुल आलमीन है अहकमुल हाकिमीन है रब्बुल अर्शिल अज़ीम है अला कुल शैइन कदीर जिसने हमें और आपको इस कायनात के अंदर पैदा किया और बेशुमार नियामतों से उसने हमें और आपको नवाजा उसने हमें और आपको इंसान बनाया मुसलमान बनाया कुरान करीम जैसी मुकद्दस किताब थी इस्लाम का पैरोकार बनाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ पहुंचा हम जितनी भी अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ करें उसकी इन नियामतों पर वो कम है बस उसकी इन तमाम नियामतों में सिर्फ इस नियामत को अगर हम और आप जान लें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने उम्मती बनाया
कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी ये कहा करते थे कि अगर अल्लाह ने मुझे नबी और रसूल न बनाया होता और मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर दिया होता तो हमारे लिए ये चीज इससे ज्यादा बेहतर थी। आज हम नबी की उम्मती हैं लेकिन हम इस नेमत को पहचान नहीं पा रहे हैं, हम उसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि रहमान अमीन दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमा अपने तमाम नबियों पर और खुसूस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी पर। अल्लाहुम्म सल्ल व सल्लम व बारिक अलैहि। आज अपने इस खिताब के अंदर मैं आपको एक पैगाम देने की कोशिश कर हम और आप इस दुनिया में जो आए हैं दरअसल आप लोग क्या हर चीज को बाजार समझते हैं क्या? नहीं, जहां देखो आपको ये लगता है क्या बाजार में आए हुए हैं? अरे कम से कम कुछ जगहों का तो ख्याल करिए कि ये कौन सी जगह है। बाजारों में जाते हैं आप लोग, मनसाही बाजार, फला बाजार, तो आपको हर जगह बाजार ही दिखाई देती है। हम और आप जो इस दुनिया में आए हैं दरअसल हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो एक चूक हुई थी, एक खता हुई थी कि जन्नत के अंदर उन्होंने उस फल को खा लिया था जिससे अल्लाह ने उनको मना किया। उस खता की पादाश में हमारे बाप को और हमारी माँ को आदम और हव्वा को जन्नत से निकाला गया और दुनिया में भेज दिया। उनसे जो ये नस्ल चली है, जो आज हम और आप देख रहे हैं, हम और आप उसी खोए हुए मकाम को दोबारा हासिल करना चाहते हैं जिस मकाम से हमारे बाप आदम और हव्वा को निकाला गया। ये प्राश्चित करने के लिए भेजा गया है, कफारा अदा करना। लेकिन दुनिया में आने के बाद भी हम उसी रविश पर चल रहे हैं कि हम उस खोए हुए मकाम को हासिल न कर सके, यानी जन्नत न पा सके। जन्नत हमें कैसे मिलेगी? वो खोया हुआ मकाम हमें दोबारा कैसे हासिल होगा? अल्लाह ताला ने उस खोए हुए मकाम को पाने के लिए ये काम करने का हुक्म उसने हमें आपको दिया है। और लोग जन्नत में जाएंगे, हम दोबारा किसको जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे? قد أفلح المؤمنون وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ ایک ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے مومنوں کو کامیاب کہا ہے، اور کون ہے مومن؟ یہ کام جو ابھی ہم بتانے والے ہیں، ان کاموں کو کرتا ہوگا وہ مومن ہے، اور جو ان کاموں کو نہیں کرتا ہے وہ چاہے کتنا گوشت کھائے، چاہے کتنا مچھلی کھائے، وہ گوشت خور تو ہو سکتا ہے، مچھلی کھانے والا مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ یوگی اور مودی کی لسٹ میں مسلمان تو ہو سکتا ہے، ووٹ ڈالنے میں
मोहम्मद असलम मोहम्मद अकरम तो हो सकता है लेकिन मोमिन नहीं हो सकता। इसको सुनो, कद अफलहल मोमिनून, वो मोमिन कामयाब हो गए। अब किसको मोमिन कह रहा है? الذين هم في صلاتهم خاشعون, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुशू बरतते हैं। पहली चीज, नमाज पढ़ते हैं वो नहीं, नमाज को खुशू और खुशू के साथ पढ़ते हैं। अरे जाने तो नहीं, यही पेशाब कर लेगा, आप लोग बिठा लेंगे बात में। सबसे ज्यादा पिक्चर होता बिहार का, आज तक जलसा सुनने का तरीका नहीं आया। कहीं प्यार के अलावा कहीं ऐसी जगह नहीं देखता हूं जहां सलीके से ना सुनता। 20 साल से स्टेज वालों को रो रहा हूं, सब भागने उतरने वाले सब यही बैठ जाएंगे स्टेज पर, सब मोदी के पाप पर बैठे। जो स्टेज पर बैठेगा वो अपने आप को स्टैंडर्ड समझता। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे आता है कि स्टेज पर ऐसे लोगों को बिठा दिया जाता है कि जो स्टेज के अहल नहीं होते, सुनता ही नहीं। खैनी खाने वाले, बीड़ी खाने वाले, स्टेज पर भरे पड़े हैं, खाते जाएंगे अरे टिकट पे बैठेंगे, वो भी ऐसे लोग स्टेज पर बैठ जाते हैं। 20 में आप डिस्टर्ब मत करो। नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह ताला ने नहीं कहा अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो लोग जो अपनी नमाजों में खुशू और खुशू बरतते हैं। खुशू और खुशू के साथ नमाज पढ़ते हैं, पहला शब्द। अभी एक एक चीज बताऊंगा। वल्लदीन हुम अनिल लग्व मुअरिज़ून, दूसरा कौन सा शख्स मोमिन है? जो बेहुदा और लग्व बातों से दूर रहता है, उसको मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, न वो उसकी गीबत करता है, न चुगली करता है, न सुनता है। नमाज पढ़ी सीधे घर, नमाज पढ़ा सीधे अपने काम से, उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं रहता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वल्लदीन हुम अनिल लघु मुअरिज़ून, जो लघु बातों से बेहुदा बातों से दूर रहते हैं। वल्लदीन हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, तीसरा कौन सा शख्स? जो अपने माल की ज़कात पूरी पूरी अदा करते हैं, एक पैसा भी नहीं रोकते। अगर उनके पास 1,00,000 रुपया है तो उस पर 2,500 रुपए की ज़कात बनती है, वो पूरी पूरी ज़कात देते हैं। जो अपने अल्लाह की तरफ से दिए हुए माल की पूरी तरीके से ज़कात अदा करते हैं वो। वल्लदीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, और चौथा कौन है जो मोमिन है? जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। ये मर्द और औरतें दोनों के बारे में कहा जा रहा है। जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जलसा सुनेंगे गाली देंगे। जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करेंगे, शर्मगाह की हिफाजत, ये दो बात। एक तो यह कि वो अपने सतर को नहीं खोलते, और दूसरा यह है कि वो अपनी शर्मगाहों का इस्तेमाल हराम जगहों पर नहीं करते। शादीशुदा मर्द अपनी बीवी के अलावा
शादीशुदा औरत अपने शौहर के अलावा किसी और जगह नहीं जाती, जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन। हां, अपनी बीवियों के पास जाने में और अपनी लौंडियों के पास जाने में कोई मलामत नहीं है, लेकिन बीवी और लौंडी को छोड़कर अरब के अंदर लड़कियां बेची जाती थी, खरीदी जाती थी। हम गरीब हैं, हमने अपनी लड़की बेच दी। आप गरीब हैं, आपने अपनी बेटी बेच दी, हमने खरीद ली। हमने जिसको पैसे दे के खरीद लिया, अपनी लौंडी बना लिया, वो हमारी मिल्कियत में आ गया। अब उससे निकाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसको खरीदा है, वो हमारी मिल्कियत में है। हम उससे वो काम ले सकते हैं जो बीवी से लेते हैं बगैर निकाह के ही। ये पहले चलता था इस्लाम में, पहले भी जायज था और आज भी जायज है, लेकिन चूंकि ह्यूमन राइट्स जो कमेटियां बनी है और पूरी दुनिया की सतह पर जिसको पास किया गया कानून, वो ये है कि आप लड़के और लड़कियां ना बेचे जाएंगे ना खरीदे जाएंगे। इस कानून को पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट ने पास किया है। अब जब ये पास हो गया है तो लड़कों और लड़कियों का बेचना और उनको खरीदना भी अब जुर्म हो गया है। लिहाजा अब न लड़की बेची जाएगी और न लड़की खरीदी जाएगी। एक बात और सुन लीजिए, वो लड़कियां जिनको खरीदा जाता था, वो उनसे हम बीवी वाला काम ले सकते थे, लेकिन आप ये कहें कि उसी की एक शक्ल है कि अगर हम दो घंटे के लिए किसी लड़की को खरीद लें तो, एक दिन के लिए खरीद लें तो, दो चार दिन के लिए खरीद लें तो, 10,000 रुपए सर दो दिन हमारे साथ रहना, मैंने खरीद लिया, अब ये हराम है, नहीं कर सकते आप ऐसा, उसका गुनाह अलग है। तो वही कुरान में وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों के पास जाने में और अपनी लौंडियों के पास जाने में कोई मलामत नहीं, कोई गुनाह नहीं। فَمَنِ اتَّقَى وَرَاءَ ذَلِكَ, बीवी छोड़कर लौंडी को छोड़कर अगर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया, 200, 300, 500 रुपए खर्च कर करके चकलों पे गए, कोठों पे गए, या मोबाइल गिफ्ट देकर किसी को गर्लफ्रेंड बना लिया, किसी को बॉयफ्रेंड बना लिया, या घंटों घंटों रातों में जियो का सिम इस्तेमाल करके बातें करते रहे, यही लोग सरकश हैं, यही लोग बागी हैं, यही लोग अपने रब के नाफरमान हैं, यही लोग हद से ज्यादा गुजर जाने वाले हैं, यही लोग हद को क्रॉस करने वाले हैं। इशारा कर उलाइक हुमुल लादून, यही लोग गैर महफूज हैं, सरकश हद से गुजरने वाले, हद को तोड़ने वाले। हद जानते हो ना क्या है? कबड्डी का खेल खेले है ना, बीच में एक पाली होती है लाइन, ये बीच में जो लाइन है यही हमारा बॉर्डर है। इस लाइन से इस तरफ हम है, ये हमारा एरिया है, इस लाइन के उस तरफ हो ये तुम्हारा एरिया है। हम जब तक अपने एरिए में हैं महफूज हैं, आप जब तक अपने एरिए में हैं महफूज हैं, लेकिन हमने जैसे ही इस लाइन पर पैर रखा
और हम आपके लाइन में घुस गए, आपके एरिए में आ गए, कबड्डी 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 कहते हुए हम महफूज नहीं है, क्योंकि हमने अपना इलाका छोड़ दिया है, आपकी बाउंड्री में हम घुस गए हैं। तो आपके सारे लोग जितने उस बाउंड्री में हैं, वो चौकन्ना है, होशियार हो गए, और कभी भी हमारा पैर पकड़ के हमें खींच सकते हैं, हमें पकड़ सकते हैं, क्योंकि हमने अपने एरिया को छोड़ दिया है, अब हम महफूज नहीं है। उन लोगों को मौका दे दिया, वो हमें पकड़ सकते हैं। इसी को कहते हैं हद को क्रॉस करना। अल्लाह ने फरमाया कि अगर अपनी बीवी को छोड़कर, अपनी लौंडी को छोड़कर अगर तुमने कोई और तरीका इस्तेमाल किया, अपनी शर्मगाह को नाजायज जगह पर ले गए, कोई और तरीका इस्तेमाल किया, तो समझ लो कि तुमने अपनी हद को क्रॉस कर दिया, तुम महफूज नहीं हो। उलाइकहुमुल्लादून, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी हद को क्रॉस कर दिया। सरकश है, बागी है, अल्लाह के नाफरमान। इसके बाद कितने लोग हो गए, नमाज को खुशू और खुशू से पढ़ने वाले, बेहुदा और लफ बातों से दूर रहने वाले, तीसरा जकात देने वाले, और चौथे अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, पांचवा والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون। पांच और छह दो चीजें यहां पेश कर दी गई, जो अमानतों का ख्याल रखते हैं, किसी की अमानत अपने पास रखते नहीं है, जिसकी जो अमानत है उसकी अदायगी कर देते हैं, ये नहीं, आपने इतना पैसा दिया, وعهدهم راعون, और जो अपने अहद का, अपने वादे का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, वादा खिलाफी नहीं। والذين هم على صلاتهم يحافظون, और नमाज की मुहाफिजत करते हैं, जोहर पड़ी, घर पहुंचे, खाना खाया, थोड़ी देर लेटे के असर की नमाज की फिक्र लगी हुई है, असर पढ़ के आए, मगरिब में दिमाग लगा हुआ है, मगरिब पढ़ के आए, नींद आ रही है, लेकिन सोएंगे नहीं जब तक ईशा ना पढ़ लेंगे, ईशा पढ़ के आए हैं, रात में सो गए, बार बार आंख खुलती है, खड़ी देख रहे हैं फजर हुई या नहीं, फिर लेटे, फिर आंख खुलती है बेचैनी से, फजर हुई या नहीं, फजर के इंतजार में रहते हैं, फजर की नमाज भी पढ़ रहे हैं, जो अपनी नमाज की मुहाफिजत करते हैं। अल्लाह ने क्या कहा, इतने लोगों को बयान करने के बाद कहा, उलाइकहुमुल वारिसून, यही लोग वारिस हैं, यही लोग मालिक हैं, किसके मालिक हैं, अल्लदीन यरिसून अल-फिरदौस, यही लोग जन्नत अल-फिरदौस के मालिक हैं, हम फीहा खालिदून, वहां से कभी निकाले नहीं जाएंगे, हमेशा उसी जन्नत के अंदर रहेंगे। ये जन्नत हमें कब मिलेगी, बाबा आदम और हव्वा को जब अल्लाह ने निकाला और उनसे जो नस्ल फैलाई, इस नस्ल को ये जन्नत कब मिलेगी, जब हम इतने काम करेंगे। इनमें से पहली चीज क्या है, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं। अब खुशू और खुजू क्या होता है, सुनो, आज हमारी नमाजें कैसी होती हैं, मस्जिद में गए, पूछा ए जमात खड़ी है, हाँ, कितनी रकातें हो गई, तो दो निकल गई, अच्छा दो बची, बैठे दिल पर जल्दी से वजू बनाए, वजू भी कितनी जल्दी है, एकदम ऐसे बैठे ना, क्या अब ये नहीं, अब सुनिए कुछ नई नई चीजें लिए, वजू भी बनाइए तो कैसे, नमाज निकल ली उसकी परवाह मत करो, अब तो देर से आ ही हो, अगर जानबूझकर देर से आए हो तो उसका तो अजाब पड़ेगा ही, चाहे कितनी नमाज पढ़ लो तो, लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से ताखीर हो गई तो कोई बात नहीं, अब वजू बनाइए, वजू भी कैसे है, लोटे से पानी लीजिए या टोटी से लीजिए, तो एक हाथ से टोटी खोलिए,
पानी लीजिए, टोपी बंद कीजिए, उसके बाद ये नहीं धो रहे हैं टोपी से पानी गिर रहा है। दो मुठ पानी से, एक मुठ पानी से अल्लाह के रसूल अपना पूरा वजू बना लिया करते थे। एक मुठ जानते हो कितना होता है? चार मुठ का एक सा, एक साठ मैंने का होता है, ढाई किलो का एक सा। ढाई किलो के चार हिस्से करिए, ढाई का आधा सवा, सवा का आधा 600, साढ़े 600, सवा 600, सवा 600 ग्राम आधे लीटर से कुछ ऊपर, इतने पानी से अल्लाह के रसूल वजू बना देते थे। यहां दो बाल्टी चाहिए, ये वजू हो रहा है, पानी लिया और ये उंगलियों में खलाल, फिर दूसरी बार पानी लिया, ये तीन बार हाथ धोने के बाद फिर पानी लो, आधा पानी मुंह में, जो आपने चुल्लू में पानी लिया है आधा मुंह में और आधा नाक में। शुरू शुरू में थोड़ा सा नहीं कर पाइए भाई, आधा लोगे पूरा चला जाएगा, अंदाजा नहीं होगा, लेकिन तुम दो चार बार करोगे तो आइडिया हो जाएगा। आधा मुंह में आधा नाक में है, बोला था क्या लेके बैठ गए, आज तक कोई मौलवी भी नहीं बताता ना, तो हमने ठेका लिया, कोई मौलवी भी नहीं बताता, तो क्या आधा मुंह में और आधा नाक में। अब सुनिए, आधा जो मुंह में ले रहे हो फिर उसी दाहिने हाथ की उंगली से आप नाक लगिए, और जो आधा नाक में ले रहे हो उसको चढ़ाइए खूब कस के, अंदर जाए जाने दीजिए, लेकिन रोजे की हालत में नहीं, नाक में चढ़ाइए। अब नाक में चढ़ाने के बाद बाएं हाथ की इस उंगली को और इस अंगूठे को आप अपनी नाक में डालिए ऐसे। अरे बैठ जा भाई, जहां जगह मिल रही है, पता नहीं क्या ड्रामे करते होती तो ऐसी है। ऐसे ये। अब अगर कोई उठेगा तो ऐसी मिसाल दूंगा कि उसके बाप ने भी नहीं सुनी होगी, फिर आप मत कहिएगा कि मौलाना जो है कंट्रोल से बाहर हो रहा है, बुड्ढों को भी जवानी आ रही है, बताइए। ये उंगली और ये अंगूठा नाक बना और अंदर अंदर चलाइए, और चलाने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस अंगूठे से दाएं बाएं अंगूठे से बाएं नाक के नथुने को दबाइए, झाड़िए नाक कस के। मैं जोर से नहीं झाड़ूंगा, पता चलेगा नहीं असली घी निकलेगा, पकड़िए और उल्टे हाथ की इस उंगली से ये पूरा वाकया पढ़िए आप, ज़ादुल माद में अल्लामा इब्न क़य्यिम की किताब है, पढ़िए सीरत, तो बहुत जबरदस्त किताब है, पूरा वज़ू का तरीका आपको दिखा दीजिए। गाड़ी फिर ये दवाई और ऐसे झाड़िए, फिर इसको भी हाथ को धोइए, फिर दूसरी बार भी आधा चुल्लू मुंह में आधा चुल्लू नाक में, फिर आपको यही करना है, दो रकात भी निकल जाएंगे, वज़ू बन जाएगा, गैर वजू के नमाज नहीं है। अब हम बैठे में सलाम, अब आपको जन्नत मिल जाएगी। الذين هم في صلاتهم خاشعون, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं। अब नमाज पढ़ने गए तो खुशू और खुजू देखिए, इसलिए नहीं बस ऐसे, यहां का हाल तो ये है, नमाज पढ़ते पढ़ते इमाम साहब ने कहा गैर मस्जिदों पे आने वाला ज़ालिम, यहां तक तो वो संभल के रह सकता है, और जो उसने कह दिया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला, पता नहीं कितनी लंबी पढ़े रही तो बोल, अब हम दाएं बाएं हो जाते हैं, अब चलने लगे हाथ पर,
और अगर सामने घड़ी हो तो ऐसे भी। सब होता है। एक ताबाई, ताबाई, ताबाई जानते किसको कहते हैं? जिसने सहाबी को अपनी आंख से देखा। एक ताबाई का पैर खराब हो गया, सड़ गया, उस पैर को काटने की जरूरत पेश आई। उस जमाने में मेडिकल सर्जरी नहीं, इतनी तरक्की नहीं की थी कि किसी को सुन करके उसका पैर काट दिया जाए। उस जमाने में होश की हालत में होश में पैर काटा जाता था, कोई भी ऑपरेशन होता था तो होश में होता था। हकीमों ने मशवरा दे दिया, तबीबों ने मशवरा दिया कि तुम्हारा पैर काटा जाएगा। ये तुम्हें बता सकते हो, इसको बिठा लो, पेशाब लग रहा हो तो यही करूंगा यार, कितना बुरा लगेगा। ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, बहुत अच्छा लगेगा। जाओ, आपकी बीवी बुला रही है, जल्दी जाओ। आप सब लोग क्या करोगे? किसी काम के तो रह नहीं गए, घर जाके क्या करोगे? जाओ। इतना डिस्टर्ब तो मुझे कभी नहीं हुआ यार। चलिए भाई, कुछ लोग जलसा बिगाड़ने भी आते हैं, ये भी हम आपको बता दें। कुछ लोग प्लानिंग के तहत आते हैं कि जलसा नाकाम नहीं हुआ, उनसे चार साजिशें की होती है। हम तो 18-20 साल से तजर्बा करके देख रहे हैं, जलसा कराने वाले चाहते कामयाब हो, लेकिन बीच में कुछ लोग बदनाम करने के लिए भी घुस जाते हैं। आजकल यही काम हो रहा है, जानते हो? अभी मोदी ने एक मौलवी को बुलाया, नाम नहीं होगा, तो कहा कि 2 करोड़ मुसलमानों के नाम पूरे भारत से, 25-30 करोड़ है, 2 करोड़ मुसलमानों के नाम हमें वोटर लिस्ट से काटना है, आप हमारे मशवरा दीजिए। पैसा उसको फेंका मौलवी हो तो कैसे कटेंगे आप बताइए? वोटर लिस्ट से हटवाना, उसको अंदाजा होगा 2-3 करोड़ मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से कट जाए, अपने आप हम जीत जाएंगे, हम आ जाएंगे। इन लोगों की बुरा भाग बहुत तेज होती है। तो मौलाना साहब ने क्या मशवरा दिया, आपको बुरा भाग करने की जरूरत ही नहीं है ना, अब क्यों काटेंगे? काटेंगे तो बदनामी होगी आपकी, हंगामे होंगे, जुलूस निकलेंगे, सब कुछ होगा। तो एक काम करिए ना, हम ही लोगों को थोड़ा सा और पैसा बढ़ा दीजिए, हम लोग जमाते निकाल